आप जब नशे की स्थिति में होते हैं तो उस समय आपकी स्थिति क्या होती है? एक जानवर की तरह होती है। क्या बिना नशे की स्थिति में आप अपनी माता को मारेंगे, पिता को मारेंगे? लेकिन आप करते हैं। आप अपनी पत्नी को मारेंगे? आप अपनी पत्नी को नहीं मारेंगे, लेकिन नशे की स्थिति में क्या करते हैं? आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपने जब नशा करते हैं तो आपके अंदर का एग्रेशन वो और एक्टिव कर देता है, और जैसे आपने नशा किया अंदर का एग्रेशन एक्टिव हुआ तो आपको गुस्सा जाहिर सी बातें आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, छोटी से छोटी बात पर आप चिड़चिड़ा जाएंगे, छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आ जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि आप उनको मारेंगे, पीटेंगे, तोड़ेंगे, घर का सामान फेंकेंगे, जलाएंगे, ये सब चीज़ें आप करेंगे। तो आपका जो सभ्य नागरिक का है आपको किस में परिवर्तित कर देता है? एक जानवर के रूप में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि ऐसा काम कौन करता है? कोई नागरिक करेगा? आप खुद जब नशे की स्थिति में नहीं रहेंगे तब ऐसा कुछ कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी नशेड़ी को आप जब लेके आते हैं लोग, तो पता चलता है कि उसने अपनी बेटी को, छोटी सी बेटी को मारा है, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कब मारा है? नशे के हालत में। और ऐसा मारा है कि तबीयत खराब हो गया। जब वो इंसान नशे की स्थिति में रहे तो कभी भी हाथ उस पर नहीं उठा सकता है, लेकिन जब वो नशे की स्थिति में रहेगा तब वो ऐसा काम। तो ये कौन आपसे करवाता है? नशा। सातवां टॉपिक वही है कि आपका नशा क्या होता है, कि पूर्वजों के द्वारा कमाया गया धन, आपके द्वारा कमाया गया धन पैसा वो धीरे धीरे अपने पास ले लेता है, एक चुम्बक की तरह धीरे धीरे आपका सब कुछ छीन लेता है। आठवां है कि आपको आपका सोचने समझने की शक्ति वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अभी भी जब आप यहाँ आते हैं तो बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। कारण क्या होता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। आप जब नशे की चपेट में नहीं थे तब कभी आपने सोचा हो कि आप नाले में पड़े रहेंगे? कभी सोचा हुआ कि जिस इंसान के साथ आज आप रहते हैं बाहर, जिन लोगों के साथ आप उनसे मिलने से भी हिचकेंगे? जब आप नशा नहीं करते तो कितना मन में घृणा आता था नशेड़ी के बजाय, कैसे कर लेते हैं यार, कैसे पड़े रहते हैं गंदे टाइप के, कैसे खंडहर में पड़े रहते हैं, मन में गाली आता था कैसे हैं। लेकिन आज हम उसी कंडीशन में हैं, हमको देख के दूसरे को गाली आता होगा, दूसरे सुधारे कैसा है कि अपने माँ बाप को मान। तो नशा क्या होता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अगर सोचने समझने की शक्ति होती तो हम ऐसे स्थिति में कभी आते ही नहीं। ऐसे क्या है कि नशा आपका क्या करता है? कुछ फ़ायदा देता है? कुछ नहीं, हमेशा नुकसान करता है। हमेशा जो चीज़ नुकसान करता है फिर भी हम उसी चीज़ को चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई। जैसे सम्मोहन नहीं होता है, सम्मोहन प्रक्रिया में क्या होता है कि आपको अगर सम्मोहित कर दिया जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपसे कहे कि नहीं बहुत ठंडा है, तो आप तुरंत कहें हाँ बहुत ठंडा, जाड़ा लग रहा है, आग तापने लगेंगे। सम्मोहन की प्रक्रिया में क्या होता है कि किसी इंसान को रूम में बंद कर दीजिए जहाँ चारों ओर बर्फ पड़ा है, उससे कहिए कि अरे बहुत गर्मी हो रहा है, तो उसको पसीना आने लगेगा, अपना कपड़ा खुलने लगेगा। तो नशा क्या करता है, आपको सम्मोहित कर देता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, आपको नहीं पता होता क्या उचित है क्या अनुचित है, तभी तो ऐसे ऐसे कांड कर बैठते हैं। अगर सोचने समझने की क्षमता होती तो आप कभी ऐसा काम नहीं करते। कौन चाहता है कि अपना शरीर खुद से ही नुकसान पहुंचाए?
आप चाहेंगे जहर लेना? नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है इसको लेने से शरीर खत्म होता है। लेकिन नशा क्या करता है? जहरी के समान है, धीरे धीरे आपके शरीर को गलाता है। पता है कि शराब पीने से आपका किडनी खराब होगा, लीवर खराब होगा, लेकिन क्या हम क्या चाहते हैं कि और मिले और मिले और मिले, यही चाहते हैं। पता है कि सूखा नशा जो कर रहे दिमाग पे असर करेगा, पागल हो सकते हैं, लेकिन हम उसको और चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरी तरीके से वो क्या है कि आपको पूरी तरीके से सम्मोहित कर लिया है, आप उसके बस में है। जो आपसे चाहेगा वो आपसे, अगर रात को दिन कहेगा तो आप क्या कहेंगे? दिन है। गाना सुने है ना, तुम दिन को कहो रात को हम रात कहेंगे। वही स्थिति होते है, रात में भी कहे भैया निकल जाओ, हम निकल जाएंगे, चोरी कर लो चोरी कर लेंगे, मार दो मार देंगे, सब करते हैं। इसका मतलब वो हमको सम्मोहित कर लिया है। यहाँ रहते हैं तो कुछ समय के लिए हमारा सम्मोहन टूटता है, लेकिन हमारे माइंड में ये रहता कि नहीं नहीं वही सम्मोहन बढ़िया था, कितना मज़ा आ रहा था, फिर हम उधर ही चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो चीज़। अब जैसे हम आपको लगता है कि वो चीज़ बढ़िया है, तो हम बस आपसे ये पूछते कि कोई एक खूबी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब कोई एक्सपर्ट है, सब अपने अपने नशे के क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत किए तभी तो यहाँ आए हैं। लिमिट जब हम पार कर देते तब यहाँ आते हैं। तो कोई एक खूबी बता दीजिए कि इसको लेने से हमको ये फ़ायदा हुआ है, एक बहुत ज़्यादा नहीं, कोई बताना चाहेंगे? मैं बताऊँ सर, आपको थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है दिमाग। कैसे नशा सर? मेरी डेफिनेशन में नशा सर एक बस एक टाइम पास है, जैसे वर्कलोड बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो उसके बाद आदमी कर लेता है, तो थोड़ा सा दिमाग रिफ्रेश हो जाता है दोबारा से काम करने के लिए, बस वो एक ब्रेक टाइम के लिए और कुछ नहीं। जैसे इनका कहना टाइम पास है, जी सर जी सर, जो ये टाइम पास है ना, ये टाइम पास जब हम पे हावी होता है तो हम पास हो जाते हैं, टाइम पास नहीं रहता। अगर टाइम पास रहता तो हम यहाँ नहीं रहते। देखिए दो बातें होती हैं, एक बातें होती हैं जो कहने में अच्छी लगती है, एक बात होती है रियलिटी। तो हमको रियलिटी पे बात करना चाहिए, क्योंकि कहना है ना कि अगर आप किसी सामने वाले को धोखा देते कोई बड़ी बात नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, आप घर पे झूठ बोलते वो भी चलता है, समाज में झूठ बोलते वो भी चलता है, लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलो। हाँ, अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलना चाहिए। अब जैसे नशा है ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सर, सब यही सोच रहे हैं कि ये एक टाइम पास है, तो ये नहीं सोचा हुआ कि ये परमानेंट हम पकड़ेंगे, लेकिन यही टाइम पास धीरे धीरे परमानेंट बन जाता है। हाँ, आज जैसे है तो दिमाग को रिफ्रेश करता है, अगर दिमाग को रिफ्रेश करता ना, तो जितने भी लोग हैं आपके घर वाले आपके समाज वाले, जैसे आप ही का बेटा हो, एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसका दिमाग दर्द कर रहा है सर पिताजी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप कहेंगे भैया एक पैक ले लो दिमाग फ्रेश हो जाएगा? आप उसको कभी सलाह नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि भैया ये नुकसान करेगा, ये जो चीज़ आज है ये हमको नुकसान करेगा, आपको नुकसान करेगा, इसीलिए आप उसको नहीं देंगे। तो नशा क्या करता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है, आपको सम्मोहित कर लेता है। अब यहाँ से निकलने के बाद आपको उस सम्मोहन से निकलना है या नहीं निकलना, आपके हाथों में वो है, क्योंकि यहाँ पे तो चीज़ें सिखाई जाएंगी बताई जाएंगी, आपको कष्ट भी होगा, यहाँ पे रहेंगे बैठेंगे बहुत कष्ट होगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन यहाँ से जैसे निकलेंगे आपका जीवन आपके हाथों में है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको तय करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ रास्ता दिखाया जाएगा, उस रास्ते पे चलना आपका काम है। अब नहीं उस रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटा बच्चा है नहीं, छोटा बच्चा रहेगा तो उसको आप हाथ पकड़ लेंगे, देखो वहाँ पे सड़क है उधर मत जाना एक्सीडेंट हो जाएगा,
लेकिन जो उस बच्चे का पिता उसको थोड़े समझाएंगे कि वहाँ जाना एक्सीडेंट हो, बहुत ज़्यादा होगा कि कहेंगे देखो उधर गाड़ी चल रहा है उधर थोड़ा संभल के जाना। अब वो इंसान चाहे खुद जाके गाड़ी के सामने खड़ा हो जाना तो उसमें इंसान क्या कर सकता। आप कहेंगे कि ठीक से हमारे ऊपर काम नहीं किया गया, ठीक से हमें समझाया नहीं, वो सब चीज़ें चलेंगी। समझना आपका काम है, चलना आपका काम है, आपके ऊपर सब चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद परिवार वाले बहुत ज़्यादा आपके साथ थोड़े रह सकते हैं, एक घंटा देखेंगे दो घंटा देखेंगे, क्योंकि उनको भी काम है। आपके पिता को अपना काम है, माता को अपना काम है, वाइफ को अपना काम है, 2400 घंटा तो आप पे नज़र नहीं रखेंगे। अगर 2400 घंटा नज़र रखेंगे तो और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएंगे आप कि हम पे विश्वास ही नहीं रहा। तो यहाँ से जाइएगा, जो मन करे वो कर सकते हैं, लेकिन जीवन आपको फिर वहीं घुमा के लाएगा जो आप करेंगे, और जो आप समाज को देंगे वही आपको मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं सर हमको यहाँ धोखे से डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि आपने धोखे से कुछ काम किया हो। तो जो हम समाज को देंगे वही समाज हमको रिटर्न करेगा। नाइन्थ जो चीज़ आपको आपसे छीनती वह है कि जीतने की आदत। जैसे यहाँ से पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रहता हम ये चीज़ कर लेंगे, ये चीज़ जीत लेंगे, लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना आपके अंदर, जब आप बहाने बनाते नशा सर ये देता है वो देता है ऐसे होता है वैसे होता है, इसका मतलब क्या कि हम उसके सामने हार मान चुके हैं, उसके सामने हथियार अपना रख चुके हैं। वही महान है वो जो कहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम नशे से जीत नहीं सकते, तभी तो हम बहाना बना रहे हैं कि सर नहीं ऐसा नहीं, सर अगर मान के चले थोड़ा सा ले लिए तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत कर लिए तो क्या हो गया। क्योंकि आपके अंदर जो जीतने की खूबी थी, जो आपके अंदर जीतने की इच्छा थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप एक नशे के सामने पूरी तरीके से अपना हथियार उतार चुके हैं, उसके सामने बैठ चुके, बोले भैया जो तुम कहोगे वही हम कहेंगे, अगर तुम कहोगे पिता के सामने रोने के लिए हम रो लेंगे, उसके बाद फिर जाके करेंगे, माता के सामने कहोगे हम पैर पकड़ लेंगे गिड़गिड़ा लेंगे लेकिन फिर जाके करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम उसको जीत नहीं सकते। आपने क्या किया है कि जीत जो होती है उसको बहुत पीछे छोड़ दिया। कहेंगे पिताजी एग्ज़ाम की तैयारी करो, बोले ना हो पाएगा, नौकरी करो नहीं हो पाएगा, ये काम करो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हारना हम सीख चुके हैं। जब नशा नहीं करते तो उसके बाद सारा काम हमको आसान लगता था, कोई कहीं कहे चले गए, कोई कहा कुछ करने के लिए हम कर लिए, लेकिन अब हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम हार मान चुके हैं, अपना सारा हथियार सब चीज़ें हम डाल। ये 9 टॉपिक है जो नशा आपसे। आखिरी जो आपसे छीनता है नशा, जो आखिरी चीज़ आपसे वो छीनता है, वो होती कि आपको शेर से, जो आप घर के शेर रहते हैं उससे आपको चूहा बना के रख देते हैं। जब आप घर में पहले आते होंगे ना जॉब से, तो बच्चे डरते होंगे आप आ गए, छोटे भाई बहन डरते होंगे पिताजी आ गए, ये आ गए, एक रिस्पेक्ट होता होगा जहाँ भी जाते होंगे, अरे ये फलाना जो है। लेकिन जब हम नशे की चपेट में आ जाते तो वही लोग क्या होता, हमको जब मन करे डांट देंगे, जब मन करे हड़का देंगे, जब मन करे तो जो मन करे वो कह सकते हैं। तो आपकी ये पर्सनालिटी पूरी तरीके से कैसे बदली है? आप पहले शेर थे, आप चूहे हो गए, कैसे? आप कहते जो तुम कहो वही करेंगे, बस हमको 100 रुपया दे दो, तुमको 2 जूता मारना है तो मार लो, लेकिन हमको 100 रुपया दे दो। पिताजी से क्या कहते हैं? जो गाली वाली देना, देखिए हमको गाली वाली दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ हमको पैसा दे दीजिए। हाथ पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, जो वाइफ इज्जत करती थी, जो वाइफ पैर छूती थी उसका पैर पकड़ लेते हैं, प्लीज़ दे दो दे दो।
क्योंकि नशा क्या करवाता है कि आप जो उस घर के शेर थे उससे आपको चूहे में परिवर्तित कर दे। और हम सब चाहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद भी चूहा बने रहे क्योंकि वो हमें उसी तरह से कन्वर्ट करेगा। लोगों के सामने जब हम यहाँ पे रहते हैं, घर वाले आते हैं 2 महीना 3 में, तो हम कहाँ इतना गिड़गिड़ाते हैं, प्लीज़ ले चलो अब नहीं करेंगे नहीं करेंगे। फिर जैसे बाहर जाते हैं तो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गिड़गिड़ाने का मतलब क्या हुआ? इस समय जब आप गिड़गिड़ाते हैं तो आप शेर रहते हैं, दया की भी कौन मांगता है? क्योंकि हमको पता है भाई हम कमज़ोर हैं अंदर से, कुछ चीज़ें इच्छाएँ हैं जो हमारे अंदर दबी हुई हैं। जब हम रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तभी तो घर वालों को दया आएगी। बहुत लोग होते हैं कहते कि अरे सर घर वाले आए थे हमने उनको ऐसे समझा दिया, हम घर जा बाहर जा रहे हैं। ठीक है हम बात करते थे, बैठ जाइए हम बात करेंगे आपसे इस पर सर। तो क्या होगा ना कि घर वाला हम कहते अरे सर हम तो 2 मिनट में समझा दिए। जैसे एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की थी, तो कहता है उसमें ना कोई भी सीन हाउसफुल थी, हाउसफुल 2 शायद थी, उसमें अक्षय कुमार जाता है कहता है कि अरे ये तो काम मेरे बाएं हाथ का है, हाँ ये तो काम मेरे बाएं हाथ का है, और बाएं हाथ से पता है क्या करता है, जाके पैर पकड़ लेता है कि जो भी किसी से कोई काम करवाना होता है तो उसके जाके पैर पकड़ लेता है, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वो तो बोलते अरे कैसे करवा लिए, तो ये तो काम मेरे बाएं हाथ का है तो वही होता है हमारे अंदर ना, हम तो कहते अरे सर ये तो चुटकी में, बाद में पता चल रो रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं प्लीज़ दे दो छोड़ दो छोड़ दो दे दो पैसा। बहुत बार होता है कि हम जिस ऑफिस में मैनेजर हैं, जिस ऑफिस के मालिक हैं, घर वाले बना कर दे देखो उसको पैसा तो नहीं देना, तो हम क्या करेंगे? नशा के अगर लत लग गया तो जाएंगे वहाँ पर जो उसका चपरासी रहेगा उसे भैया सुने दे है कुछ दे दो, बाद में हम दे देंगे। उसके सामने रोएंगे, कहेगा अभी नहीं है सर घर से हम जाके देंगे, घर से हम लेते आएंगे, ऐसे कहा था हम घर पे पहुंच जाएंगे दे दो मतलब जो हमारे ऊपर जो हमसे पलता था हम क्या करेंगे उसके घर पे पहुंच जाएंगे उससे मांग। घर वाले भी कहेंगे कि कहाँ है उससे मांग रहे हो कहाँ इतना। तो नशा वो स्थिति में आपको पहुंचा देता है कि आप एक चूहे की तरह लोग के सामने गिड़गिड़ाते हैं मांगते हैं रोते हैं, वो अंदर का जो शेर होता है ना ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे जब आप रहते तो धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन वो आपकी लाइफ है, आपको जहाँ जाना है जैसा करना है आप स्वतंत्र हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं, फिर से शेर बनने का या फिर से चूहा बनने का, उसमें से जो हम सेलेक्ट करेंगे। काउंसलिंग का मतलब ये होता है ना आपको रास्ता दिखाया जाए, चलना उस पर आपको है। यहाँ पे जो हम क्लास लेते हैं वो मेरा ये क्लास नहीं होता कि हम आपको ज्ञान दें, क्योंकि यहाँ मेरे से बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, हम आपको यहाँ ज्ञान देने नहीं आते। इस तरह की परिस्थितियों से कैसे निकले वो हम बताते हैं, उस पर काम करना आपका काम है, नहीं करेंगे नुकसान आपका है, और किसी का भी इस दुनिया में कोई नुकसान नहीं है। आपको लगता है ना कि आपके नशा करने से किसी और का नुकसान, कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो आपका। बहुत बार होगा तो किसी को आप एक बार धोखा देंगे 2 बार धोखा देंगे वो समझ जाएगा अगले बार से आपसे बातें नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि जो आपको उचित रास्ता लगे उधर चलिए, और भगवान ने जब जीवन दिया है तो जितना हो सके इसका सही यूज। और ये तो 10 टॉपिक हो गया, और अपने विचार कुछ बताइए इस पर, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। कुछ और विचार अगर देना चाहें आपको कि नशा आपसे क्या छीनता है। नशा
करो हमारे पास जो प्रत्येक पॉइंट हो नशा जैसे पहले हम नशा कि हमारा घर चाहिए इसके अलावा हमने नशा निवारण से सामाजिक आर्थिक और नैतिक जो भी हमारे अंदर द्वेषपूर्ण भावनाएं रहती है उसको भी छोड़ छीन लेता है और हमें कहीं का नहीं छोड़ता हम उसी पटरी पर आ जाते हैं जिस पटरी पर रेल भी न चले। हाँ जिस पटरी पर रेल भी नहीं चलती हम उसी पटरी पर आ जाते हैं। सही है। और कुछ बताइए आप लोग जो भी आपके मन में विचार हो क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि हम जब एक दूसरे को विचार देते उसी से हम सीखते हैं। आपके अनुभव से कोई और सीखेगा उनके अनुभव से कुछ आप सीखेंगे। हाँ कस के बोलिए। और कुछ भी बताना चाहेंगे थोड़ा कष्ट के बोलिए सर। बैठ जाइए ये सब लास्ट में बैठ जाइए। और कुछ विचार आप लोग बताना चाहेंगे सर। देख सर नशा तो मतलब देखा जाए तो 95% लोग करते हैं। थोड़ा कष्ट करोगे सर। नशा जैसे 95% लोग करते हैं लेकिन सर ऐसा नहीं कि सब लोग भी लिया आ रहे हैं। कुछ हम लोग के फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे हैं जो नशा बहुत बहुत पहले से करते आ रहे हैं लेकिन अपने लिमिटेशन को जान के वो आज भी सुखी से हैं। सब कुछ जैसे इनका कहना है ना कि नशा तो सबको ही करता है 90% लोग करते ही हैं। यहाँ से जो बाहर हैं जो नशे मुक्ति केंद्र में नहीं है वो भी नशा करते हैं तो फिर हमें यहाँ क्यों लाया जाता है या फिर हम क्यों उसके चपेट में आ जाते हैं कि उतना करने लगते हैं। बाकी लोग नहीं आते चपेट में। इसके पीछे का रीज़न ये है जैसे हमने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था कि नदी में आपने देखा होगा कि गोल 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 जैसे घूमता है कवर जो बनता है उसमें दो लोग डूब रहे एक बहुत मजबूत एक बहुत कमज़ोर है तो सबसे पहले कौन डूबेगा। मजबूत क्या करेगा कब तक टिका रहेगा जब तक उसके शरीर में शक्ति रहेगा जान रहेगा तब तक और जैसे शक्ति खत्म होगी फिर क्या होगा। जो यहाँ से बाहर रहते हैं ना जो नशा करते हैं आप देखेंगे कि उनके अंदर शुगर की बीमारी है बीपी की बीमारी है खांसी की बीमारी है। डॉक्टर कह चुका अभी नहीं बचेंगे बहुत लोग खत्म। क्या कि सबका शरीर का बनावट अलग है सबका खान पान अलग है। किसी कोई सूखा रोटी खाता है कोई के घर में ड्राई फ्रूट पनीर उनीर पूरा भरा पड़ा है चिकन वकन सब भरा पड़ा है जो चाहे वो मिल सकता और किसी के घर में सूखा रोटी। अब सूखा रोटी शरीर में क्या वो उतने एनर्जी दे पाएगा नहीं दे पाएगा और जो अच्छा खाते उनके घर में फल फ्रूट खाएंगे उनके घर में एनर्जी अच्छा मिलेगा। अब दोनों एक ही मात्रा में नशा करेंगे तो ज़्यादा असर किस पे करेगा जिसको खाना नहीं मिल पाता है उस पे असर करेगा। अब जो बहुत अच्छा डाइट लेता उस पे भी असर करेगा लेकिन उसके शरीर के मुकाबले थोड़ा कम करेगा तो इस कारण क्या होता है जो लिमिट पे करते हैं वो थोड़े दिन तक सस्टेन कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। हम क्या होता है कि हम लिमिट से ज़्यादा जब आ जाते हैं तो फिर हम को डॉक्टर जब पूरी तरीके से कह देता है अब ये नहीं बचे। जो बाहर के लोग हैं ना वो भी परेशान हैं लेकिन उनकी परेशानी क्या है छुपी हुई है वो अचानक दिखती है
आप अचानक नहीं देखते हैं कि अरे वो बहुत बढ़िया से थे, थोड़ा थोड़ा पी रहे थे, वो ख़त्म हो गया। तो कैसे ख़त्म हो गया? तो किडनी ख़त्म हो गया, लीवर ख़त्म हो गया। न्यूज़ मिलती है ना अचानक। हाँ, अब जैसे है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम बार बार आपसे क्या पूछते हैं कि आपने जब पहला बार पीना शुरू किया था तो क्या सोच के पिया था? कि आप किसी दिन रिहैब में रहेंगे? किसी ने सोचा था? सबने क्या सोचा था? कि हम लिमिट में लेंगे और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आज कहाँ हैं आप? रिहैब। तो हर इंसान के दिमाग में ये होता है कि हम लिमिट में ले रहे हैं, लेकिन यही लिमिट बाद में क्या होता है? अब यहाँ पे क्या है कि जीवन की जो गति है, जैसे किसी कुछ लोग हैं जो जॉब में हैं, जो 24 घंटा बिजी रहते हैं, जब वो लेते हैं तो उनके पास सोचने के लिए बहुत समय नहीं रहता, वो काम में लगे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से खाली हैं, जिनके पास जॉब ही नहीं। तो जब वो एक बार पी लेंगे तो फिर अगला दिमाग में क्या आएगा? फिर लेना। फिर वो पी लेंगे, फिर क्या आएगा? फिर लेना। तो ये खाली पड़े हुए, तो जब दिन भर आप खाली पड़े तो दिन भर आप क्या करेंगे? उसको मांगेंगे। तो आपका शरीर मजबूत रहेगा, जल्दी आप पे अटैक करेंगे। और जो बहुत बिजी है, वो थोड़ा सा ले रहा है तो कुछ समय तक के लिए वो सस्टेन करेगा, लेकिन उसका असर उसके शरीर पे भी होगा, लेकिन कुछ देर के बाद। तो कहने का मतलब है कि डूबेंगे सब, कोई पहले डूबेगा कोई बाद। आप ही लोग के साथ जो नशा शुरुआत किया होगा, बहुत सारे दोस्त आपके ख़त्म हो गए होंगे, इस दुनिया में नहीं है। उसने भी सोचा होगा अरे चलो यार थोड़ा थोड़ा लेते हैं, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा उसको ख़त्म कर दिया। आप लकी थे, आप बच गए। जीवन आपको मौका दे रहा है कि अभी भी समय है आप सुधरने में। आपका जीवन है, आप कैसे जिएंगे? यहाँ पे सुधरने की बात नहीं है, आप यहाँ पे बात है कि हम अपना जीवन कैसे यहाँ से लेके जाएंगे। सुधरेंगे फ़ायदा आपको होगा, नहीं सुधरेंगे नुकसान आपको होगा, और किसी को कोई फ़र्क नहीं होगा। परिवार वाले 10 दिन 20 दिन रोएंगे, 1 महीना रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, और क्या करेंगे? और कोई ऑप्शन है उनके पास? देश के राष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तो देश तो नहीं चलेगा, दूसरा आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमेशा मौजूद है। सब गुरु अपन क्या पता? आप स्पेशल हमसे मिले क्लास के बाद, काउंसलिंग के बाद से बता देंगे लोग, सर लोग आपसे। हाँ सर बोलिए। जैसे सर का क्वेश्चन ये है कि नशा कोई लिमिट में कर रहा है, तो क्या उससे को बांध के या फिर कहीं बंद करके उससे नशा छुड़ाया जा सकता? यही प्रश्न है आप। ठीक है सर, इसका जवाब ये है कि नशा जब तक इंसान नहीं चाहे तो दुनिया की कोई शक्ति उससे नशा, क्योंकि हम
क्या है छोटे, हम बार बार क्यों कहते हैं कि हम छोटे बच्चे हैं नहीं, घर वाले हम पे कब तक दबाव बनाएंगे, एक लिमिट तक, जिस समय उनको लग जाए कि अब इससे ज़्यादा हम दबाव इन पे नहीं बना सकते तो फिर वो छोड़ देंगे आप, फिर वो आपको छोड़ देते हैं कि भैया जो करना है जाओ लाइफ में। अब जैसे आपका जो सवाल है ना सर, आखिर फैमिली